Good morning, friends. Today we shall discuss about आर्टिकल. ग्रामर का टॉपिक है आपका आर्टिकल का, ठीक है. आर्टिकल के बारे में करते हैं. आर्टिकल है जो हमारा टू टाइप्स का है. एक है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल, जो डेफिनेट आर्टिकल है उसमें आता है द या दी बोलते हैं इसको, और इनडेफिनेट आर्टिकल है जो वो ए और एम है. इसके अलावा एक और थर्ड होता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल. ओमिशन ऑफ आर्टिकल या इसका दूसरा नाम दिया जाता है जीरो आर्टिकल. जीरो आर्टिकल, इसमें क्रॉस का निशान आता है. जैसे हमने सब्जेक्टिव रूप में अगर किसी क्लास के अंदर 10+1+2 में यूज करते हैं तो हम उसमें क्रॉस का निशान देते हैं, और कंपटीशन एग्जाम के अंदर अगर आता है तो वहां पे हमारा फोर्थ जो ऑप्शन होता है नो आर्टिकल, उसका प्रयोग किया जाता है. फोर्थ ऑप्शन मिलेगा नो आर्टिकल, यानी जिसके अंदर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते. तो टू टाइप्स का हो गया हमारा डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल. थर्ड जो पार्ट है वो हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल या जीरो आर्टिकल के नाम से इसको जानते हैं. तो कई बार इसमें कंफ्यूजन रहती है कि द और दे हम इसको कहां पे बोलते हैं. इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो थ्री टाइप्स की होती है. प्रोनाउंसिएशन थ्री टाइप्स में कैसे, एक तो जो फोनेटिक्स लैंग्वेज में इसको बोला जाता है द, ये हमारे फोनेटिक्स के अंदर होता है. फोनेटिक्स लैंग्वेज है. फोनेटिक्स लैंग्वेज इज जनरली ओरिजिनेटेड फ्रॉम लंदन. लंदन से लिखी है, इसको बोला जाता है आरपी. आरपी मीन्स रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम लंदन. अब कहीं पे इसको हम बोलते हैं दी और कहीं पे इसको बोला जाता है द, वो क्या है इसके अंदर. अगर इसके बाद ए ई आई ओ यू हमारे जो वोवल साउंड है, वोवल साउंड से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड इसके बाद आता है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन दी होती है. और इसके बाद अगर कोई भी कॉन्सोनेंट्स साउंड आती है, यानी अगर साउंड के हिसाब से देखें तो 44 साउंड होती हैं, लेकिन अगर हम अल्फाबेट के हिसाब से देखें तो 5 हमारे वोवल हैं और 21 यानी 21 जो है हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं. तो जैसे हम लिखते हैं इसको बोला जाएगा द सन, और अगर हम बोलते हैं इसको तो इसको बोला जाता है द अर्थ. यहां पे इसकी प्रोनाउंसिएशन दी होती है और यहां पे इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है द. क्लियर. अब इसके बाद देखते हैं इसका यूजेस, यूज हम कैसे करते हैं. तो फर्स्ट में हम इनडेफिनेट आर्टिकल को लेते हैं. फर्स्ट आता है हमारा यूज ऑफ ए. ए का प्रयोग हम कहां पे करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में है. जब हमें खालिस्तान के बाद के शब्द से हिंदी में व्यंजन की आवाज आती है, व्यंजन की आवाज आती है, तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, ए का. अब व्यंजन हमारे कैसे लेके अक्षर क तक सारे हमारे क्या हैं, व्यंजन है. एग्जाम्पल देखिए, इट इज डैश बुक. अब देखना इसको कैसे है, ये थोड़ा सा ध्यान की बात है. इट इज डैश बुक. अब खालिस्तान के बाद का शब्द है जो ये, इसको बोलना यानी प्रोनाउंशिएट करना है जो, तो वो इंग्लिश में करना है और लिखना हिंदी में है. जैसे बुक, ब बुक लिखेंगे. अब इसको मान लिया बुक हमने लिखा तो ब हमारा क्या है, व्यंजन है. तो यहां पे क्या आ जाएगा, अ. इट इज अ बुक. और देखिए जैसे आई हैव डैश वन रूपी नोट. वन अगर इंग्लिश के बुक के हिसाब से हम देखें तो उसमें लिखा जाता है कि भी जब भी हमें ब्लैंक के बाद कोई भी वोवल लिखा हुआ मिलता है तो हम एन का प्रयोग करते हैं. अब इसके बाद वोवल तो लिखा हुआ है लेकिन एन का प्रयोग नहीं होगा. अब अपने हिसाब से अगर इसे अपने रूल के हिसाब से यूज करते हैं तो वन ऐसे लिखा जाता है. वह क्या है, व्यंजन है. तो यहां पर क्या देगा, आई हैव ए वन रूपी नोट. क्लियर. सेकेंड इसके अंदर है यूज ऑफ एन. यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग है जो हम कहां पे करते हैं. सेम इसी तरह से जब हमें खालिस्तान के बाद के शब्द से हिंदी में सवर की आवाज आती है, सवर की
आवाज आती है तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। और हमारे स्वर कहां तक है, ऐसे लेके अंग तक हमारे क्या है, स्वर है। फॉर एग्जाम्पल, सी इज डैश इंटेलिजेंट गा, सी इज इंटेलिजेंट गा, इंटेलिजेंट, इसमें साउंड किस चीज की आ रही है, ई की, ये हमारा क्या है, स्वर है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। एक चीज का और ध्यान रखना, अगर हमें सिर्फ इतना मिलता है सी इज डैश इंटेलिजेंट और गर्ल नहीं मिलता, तो आर्टिकल की एक खासियत क्या होती है कि ये हमेशा नाउन के साथ प्रयोग होता है, विदाउट नाउन इसको हम यूज नहीं करते। फिर हम यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर हमारे यहाँ पे क्रॉस का निशान आएगा, सी इज इंटेलिजेंट। अगर गर्ल या नाम लिखा हुआ है, नाम आ जाता है, फिर यहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो दो रूल ये इसके हो गए। अब जो इंडेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन दोनों इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आते हैं, अब इन दोनों के जो रूल है वो एक साथ प्रयोग होंगे, वो देखिए। नेक्स्ट जो इसका है थर्ड रूल, रूल नंबर थर्ड, अगर किसी भी व्यवसाय की बात होती है, व्यवसाय यानी प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय दिया गया हो तो उसके साथ हम आर्टिकल ए और एन का ही प्रयोग करते हैं, मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल आता है। अकॉर्डिंग टू साउंड, अगर वहां पे हिंदी में व्यंजन की आवाज आ रही है तो ए का प्रयोग करते हैं, और स्वर की आवाज आती है तो एन का प्रयोग हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माय ब्रदर इज डैश टीचर, माय ब्रदर इज डैश टीचर, टीचर क्या है, व्यवसाय है, प्रोफेशन है। तो टीचर में आवाज किस चीज की आ रही है, टर्की, टर हमारा क्या है, व्यंजन, तो हम किस चीज का प्रयोग कर देंगे, ए का, माय ब्रदर इज ए टीचर। अगर बाय द वे यहाँ पे होता इंजीनियर, तो इंजीनियर भी क्या है, व्यवसाय है, तो उसमें ई की साउंड आती, फिर हम एन का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर फोर, नेक्स्ट है इसके अंदर, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको एच साइलेंट मिले, एच क्या मिले, साइलेंट, सॉरी, अगर एच साइलेंट आपको मिलता है तो उसमें मोस्टली सावर की आवाज आती है, और वहां पे पर हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, राम इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, ये होनेस्ट नहीं होता, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, ऑनेस्ट, यानी एच साइलेंट होता है, तो यहां पे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, एन का। ऑनर है, ऑनरेरी है, हायर है, ठीक है, तो ये जो वर्ड होते हैं इनमें एच साइलेंट होता है, वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, एन का। जो पहले चीज बताई थी वही फिर मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर यही चीज मिलती है, राम इज डैश ऑनेस्ट, तो हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, फिर यहां पे हम जीरो आर्टिकल का ही प्रयोग करेंगे, राम इज ऑनेस्ट, क्योंकि इसके बाद कोई भी हमारा नाउन नहीं आया है। रूल नंबर फिफ्थ एंड सिक्स्थ, दो चीजें हैं इसके अंदर, एक होता है काउंटेबल नेशनलिटी, काउंटेबल नेशनलिटी, और एक होता है अनकाउंटेबल नेशनलिटी, काउंटेबल नेशनलिटी और अनकाउंटेबल नेशनलिटी। तो काउंटेबल नेशनलिटी जहां पे भी हमें मिलती है, काउंटेबल जिसकी गिनती की जा सकती है, और नेशनलिटी होता है हमारी राष्ट्रीयता, जैसे हम कहें इंडियन, इंडियन क्या है, नेशनलिटी है, तो ये कहते हैं काउंटेबल नेशनलिटी जहां पे भी मिलती है वहां पे हम प्रयोग करते हैं ए और एन का, और कहीं पे भी अगर हमें अनकाउंटेबल नेशनलिटी मिलती है तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं द का। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज डैश इंडियन, और एक मैं कहूं डैश
Indian are brave to. आप दोनों में इंडियन आया हुआ है, कई बच्चे सोचते हैं कि भी यहाँ पे भी सेम आएगा और यहाँ पे भी सेम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता हूं. तो क्या है इसमें, जैसे माई ब्रदर इज दस इंडियन, माई ब्रदर मेरा भाई एक ही है, काउंटेबल है, तो काउंटेबल नेशनलिटी है तो ए और एन का प्रयोग करेंगे. इंडियन में ई की आवाज आ रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन. माई ब्रदर इज एन इंडियन. और दूसरे में कह रहे हैं इंडियन आर ब्रेव पीपल, कि भारतीय जो लोग हैं बहादुर होते हैं. अब यहाँ पे 1,32,00,000 की जनसंख्या में कितने लोग बहादुर हैं उनकी गिनती नहीं की जा सकती, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नेशनलिटी है. तो यहाँ पे हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं. तो फर्स्ट इसमें व्यवसाय से रिलेटेड आ गया, सेकंड इसके अंदर एस साइलेंट का आ गया, और फिफ्थ और सिक्स्थ है जो काउंटेबल नेशनलिटी और अनकाउंटेबल नेशनलिटी का आ गया. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. रूल नंबर 7th है आपका, यदि एक ही वाक्य में एक ही नाम दो बार प्रयोग हो तो पहले नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड, और उसी नाम का जब दूसरी बार प्रयोग होगा तो वहां पे हम प्रयोग करेंगे द का. फॉर एग्जाम्पल, वंस देयर वॉज डैश किंग कॉमा डैश किंग वॉज वेरी फेमस. तो किंग जो नाम है वो दो बार प्रयोग हुआ है, तो पहली बार जब प्रयोग होगा तो उसके साथ किस चीज का प्रयोग करना है, ए और एन का. तो किंग में क की आवाज आ रही है, व्यंजन है तो क्या जाएगा, ए. वंस देयर वाज ए किंग डैश किंग वाज वेरी फेमस, तो यहां पे क्या जाएगा, द किंग वाज वेरी फेमस. क्लियर, समझ में आ रही है चीजें. नेक्स्ट रूल नंबर 8, अगर किसी भी वाक्य के अंदर आपको व्हाट सच और मैनी इनके तुरंत बाद अगर आपको वाक्य मिलता है तो इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हम, ए और एन, एन अकॉर्डिंग टू साउंड. फॉर एग्जांपल, व्हाट डैश ब्यूटीफुल चाइल्ड, तो व्हाट आ गया, ब्यूटीफुल ब की साउंड आ रही है, व्यंजन है तो क्या आ जाएगा, ए. व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड. नेक्स्ट रूल नंबर 9, एब्रीवेटेड फॉर्म. कहीं पे भी आपको संक्षिप्त रूप, एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप कहीं पे भी आपको मिलता है तो वहां पे भी हम आर्टिकल ए और एन का ही प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सम. फॉर एग्जांपल, जैसे आ जाए आपको एमएलए डैश एमए डैश BA. तो इनसे पहले हम ए और एन का प्रयोग करेंगे. अब देखना कैसे, एम को म नहीं बोलते हम हिंदी में, यहाँ पे एम ऐसे लिखा जाता है, तो ये हमारा क्या है, सवर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, NMLA NMA BA में ब की साउंड आ रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए. तो इस प्रकार से ये हमारे 9 रूल हो गए हैं इनडेफिनेट आर्टिकल के, ए और एन के. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 0 आर्टिकल, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा द आर्टिकल का. 3 पार्ट्स बनेंगे इसके, हम इसको 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.